कल सारी कोर्स की टाइप समझ आ गई थी आप लोगों को, इसी टाइप में कोई इशू नहीं है। कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस्ट में कोई इशू नहीं है किसी को। नो मैम, 5-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चे आते फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत कम बच्चे हैं। ओके मैम, ओके। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग कोर्स पढ़ी थी, प्रोडक्शन कोर्स, मैन्युफैक्चरिंग कोर्स जिसे कहते हैं, जिसमें जो मैंने आपको डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पढ़ाए थे, वो किसी को याद है क्या थे? इसी को आज हमें फर्दर कंटिन्यू करना है। एनीवन, डायरेक्ट मटेरियल, इकरा बताओ डायरेक्ट मटेरियल की क्या समझ आई थी आपको? अनम आप बताओ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर या एफओएच किसी को सब क्लियर है? आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे बच्चे? मैम अभी रिवाइज नहीं किया है। ओके कोई आइडिया भी नहीं है, क्योंकि हमने आज बच्चे उसी को कंटिन्यू करना है ना, तो इसलिए मैं कहती थी कि अगर आपको उसमें, या मैं रिवाइज कर दूँ उसको दोबारा, क्योंकि उसी को यूज़ करना है। और आज हमने स्टेटमेंट बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले बनाई हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आई थिंक मैम नहीं बनाई। चलो ठीक है, नहीं बनाई। ओके लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बच्चे जैसे जैसे ज्वाइन होते जाएंगे। कल हमने कोर्स की बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप डिस्कस की थी हमने, डिफरेंट बेसिस पे डिस्कस की थी कि डिफरेंट बेसिस पे कोर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्यों बनाते हैं। हमने कहा मैनेजर्स की अपनी जरूरत के लिए करता है कि किस टाइप के उनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उसी बेसिस पे कोर्स को डिवाइड कर देती है। एक बेसिस कोर्स को डिवाइड करने की थी मैनुफैक्चरिंग कोस्ट, जैसे प्रोडक्शन कोस्ट भी कहते हैं, यदि वो इसमें वो तमाम कॉस्ट रिलेटेड होती है जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंक्लूडेड होती है। फैक्ट्री एरिया के अंदर जो आ रही होती है, ये फैक्ट्री एरिया से बाहर जो आ रही होती है, वो सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होती है। अच्छा, दो तरह से होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली जैसे हमने कहा था एडवर्टाइजमेंट के लिए आ गया, कस्टमर सर्विस की कॉस्ट आ गई, ये सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। आज हम जो तीन बेसिक कॉस्ट को कल भी डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कहा किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। इसको बेसिक तीन टाइप्स होते हैं इसकी, एक हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, एक को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं, और जो हमारे पास एक होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज मैं आपको इसका बस ओवरव्यू दे देती हूँ। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल क्या है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो डायरेक्ट मटेरियल है। सपोज अगर हम मार्कर की बात करें, हमने कहा मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमने कहा इंक रिक्वायर्ड है, उसका जो वाइबल मटेरियल होता है जिसके जो उसका कवर होता है वो रिक्वायर्ड है, कैप रिक्वायर्ड है, तो ये सारा क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। यानी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जिसको हम कंज्यूम करके उस प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, वो मटेरियल होगा। अगर बुक की बात करें तो हमने कहा बुक को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें पेपर चाहिए, हमें इंक चाहिए, हमने कहा ये सारा क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल है।
ड्रेट मटेरियल को एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ये वो मटेरियल होता है जिसको इजीली ट्रेस आउट किया जा सकता है। ट्रेस आउट करने का क्या मतलब है कि आप ये फाइंड कर सको कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक को बनाने के लिए मैं देखूंगी कितने पेज यूज हुए तो इजीली उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, या इंक की कितनी क्वांटिटी यूज हुई तो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। कुछ मटेरियल और होते हैं जो हमने कहा यूज तो होते हैं, प्रोडक्शन में यूज होता है पार्टिकुलर प्रोडक्ट के, लेकिन उन्हें ट्रेस आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमने कहा कि बुक की बाइंडिंग में ग्लू यूज हुई थी, तो हमने कहा अब ये फाइंड आउट करना कि एक बुक की बाइंडिंग में कितनी ग्लू यूज हुई है डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। तो हमने कहा इसको ये इनडायरेक्ट मटीरियल इसको हम कह देते हैं कि जिसके जिसको ट्रेस आउट करना थोड़ा मुश्किल हो वो इनडायरेक्ट मटीरियल होता है। फिर हमारे पास जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, हमने कहा ये वो कॉस्ट होती है या सैलरीज, नॉर्मली इसमें सैलरीज और वेजेस आ जाती हैं जो उन लोगों को दी जाती है जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। जैसे हमने कहा हम मार्कर बना रहे हैं तो मार्कर की प्रोडक्शन मशीनरी पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको वेजेस अगर चाहे आप दे रहे हो चाहे आप सैलरीज पे कर रहे हो तो उनको जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं या सैलरीज दे रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। लेकिन हमने कहा कुछ इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। इनडायरेक्ट लेबर की हमने कहा मार्कर बन गई, अब उसको एक जगह से उठा के फैक्ट्री के एरिया से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए मजदूर यूज होते हैं, तो हमने कहा उनको भी तो सैलरीज पे की जाती है, वेजेस पे की जाती हैं, लेकिन हमने कहा वो प्रोडक्शन में क्योंकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कह देते हैं। फिर हमारे पास तीसरी आती है मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, जो प्रोडक्शन पे यूज होती है। इसमें कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, इस पे इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। जैसे अभी मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल के एक ग्लू है हमारा, उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर देते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट लेबर में नहीं आई थी, हमने कहा जैसे वो मजदूर जो चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाती है। यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर हमने कहा और कुछ और कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड कर दी जाती है। जैसे हमने कहा डेप्रिसिएशन होगी, मशीन यूज़ कर रहे हैं तो मशीन डेप्रिसिएट भी होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हमने कहा वो भी हमारी वो है तो रिलेटेड ही है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्योंकि, लेकिन हमने कहा ना तो हम इसे डायरेक्ट मटेरियल में चार्ज कर सकते हैं ना डायरेक्ट लेबर हेड में, लेबर में, तो इसे हम मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड में चार्ज कर देते हैं। फिर एक और हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है, उसको भी अगर डायरेक्ट मशीन की इलेक्ट्रिसिटी है तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगी, लेकिन हमने कहा कि जैसे फैक्ट्री एरिया के अंदर कुछ स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं या सर्विस सेंटर कह देते हैं, उनका क्या पर्पज होता है, जैसे देखो किसी फैक्ट्री का विजिट किया हो तो एक कोने में उन्होंने सर्विस एरिया बनाया होता है कि अगर मशीन ख़राब हो जाए या कोई स्क्रू ख़राब हो जाए तो आप फौरन वहां से वो रिपेयर कर देते हैं। तो वो जो है हमने कहा वो प्रोडक्शन में हिस्सा तो नहीं ले रहे लेकिन प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि अगर मशीन ख़राब हो जाएगी या प्रोडक्शन में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये उसको फौरन सॉल्व कर देंगे, तो उनकी कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, इंश्योरेंस अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या मशीनरी का इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी हमने कहा क्योंकि डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड होती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल देते हैं। यानी वो कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में नहीं आ सकती उसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल देते हैं और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। वैसे भी प्रोडक्शन कॉस्ट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जब बात करते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइंड आउट कर लेते हैं। जब कॉस्ट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होती है और जब तक वो सोल्ड आउट होती है उसके दरमियान की सारी जो भी कॉस्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या एफएच, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एफएच भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, तो उनको हम ट्रेस आउट कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। ये काम बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के पास होता है, देखो जब भी कोई काम स्टार्ट करना है, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, मटेरियल परचेज किया जाता है, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। हमने कहा ये मटेरियल यूज करके कंपनी प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करती है, तो इस जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने कहा ये हमारी कॉस्ट होती है, हमने कॉस्ट की ही बात करें ना, प्रोडक्शन कॉस्ट है। जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं हमने कहा कॉस्ट होती है, अब इसको कहाँ रिकॉर्ड करें, जब भी मटेरियल खरीदोगे सबसे पहले जो कॉस्ट होगी उसको हम एसेट में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। अगर आप किसी कंपनी की स्टेटमेंट देखे हो तो उधर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो हो रहा था रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, यानी कि उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है और इसे प्रोडक्शन में फर्दर वो यूज करेंगे। फिर हमारे पास जो दूसरा, अब हमने कहा रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, काम स्टार्ट कर दिया,
जब उस रॉ मटेरियल को यूज करके कंपनी काम स्टार्ट करती है, दैट मीन कि अब आपने अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट में, तो एक और इन्वेंट्री जनरेट होती है जिसे हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री का समझ आ गया ना, बेसिकली जो भी आपके पास स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में पड़ा हुआ या गुड्स की शक्ल में पड़ा हुआ, जो भी आपने खरीदा है, चीजें खरीदी उसे हम इन्वेंट्री ही कहते हैं। अगर रॉ मटेरियल खरीदा है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। अब रॉ मटेरियल को हमने यूज किया, हमने कहा हमारी चीजें बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी चीजें फुली कंप्लीटेड नहीं हुई, उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है काम उन पर जारी है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप काम कर रहे हो अभी फुली वो कंप्लीटेड नहीं हुई, तो उन्हें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं। जब रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और उन्हें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अब ये भी एक इन्वेंट्री बन गई, इसे भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड किया, जितना रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है उतना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से वो माइनस कर देते हो। उसी रॉ मटेरियल को उठाया था, उसे यूज किया था, उस पर काम करना शुरू कर दिया था, जितना रॉ मटेरियल यूज कर लिया ऐसा जैसे उतना रॉ मटेरियल कम कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि वो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गया, यानी वो चीजें जो पार्शली कंप्लीटेड है, फुली कंप्लीटेड नहीं है। जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे तो उस दिन फुली कंप्लीटेड नहीं थी, तो उन्हें हमने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में डाल दिया। उस पर लेबर भी लग चुकी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी लग चुके हुए हैं, उनकी कॉस्ट भी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में हम इंक्लूड कर देते हैं। वर्क इन प्रोसेस में रॉ मटेरियल कब कन्वर्ट होगा, जब आप उस पर लेबर भी लगा रहे हो, फैक्ट्री ओवरहेड भी लगा रहे हो, तो वो तब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और इन्वेंट्री आती है, वो होती है फिनिश गुड इन्वेंट्री। ये वो गुड्स होती हैं जो फुली तैयार होती हैं और जिनको आप सेल के लिए तैयार हैं कि आप उन्हें ले जाओ और सेल कर दो, अभी सेल नहीं किए, उन्हें हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश क्या होता है, कंप्लीट होगी, खत्म होगी, यानी चीज़ें बन गई हैं, जो वर्क इन प्रोसेस में थी, जो पार्शली कंप्लीटेड थी वो फुली कंप्लीटेड हो गई हैं, वो प्रिपेयर है कि आप उन्हें सेल कर दो। अब इन्हें भी जब ये बन जाती हैं तो इनको स्टोर किया जाता है पहले, क्योंकि अभी बेचने के लिए भेजी रेडी, सेल के लिए रेडी है लेकिन अभी हमने भेजी नहीं है, तो इन्हें हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहते हैं और उन्हें भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के नाम से। और जितनी वर्क इन प्रोसेस की फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं उतना वर्क इन प्रोसेस बैलेंस शीट में से माइनस कर देते हैं और उनको फिनिश गुड्स बना देते हैं। जब ये चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं, जैसे फिनिश गुड्स थी, जब हमारी ये सेल हो जाएंगी, तो हमने कहा नॉर्मली जब चीज़ें खरीदी जाती हैं ये कॉस्ट इंकर की जाती है, तो एज एसेट रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। फिर हमने कहा जितनी वो यूज़ हो जाती हैं या सेल आउट हो जाती हैं तो उनको एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में से जितनी चीज़ें हमारी सेल हो जाएंगी उन्हें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारा एक्सपेंसेस होता है। तो उसको अपना जितनी चीज़ें बिक जाएंगी उसको अपना एक्सपेंस बना के अपनी रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में और फिनिश गुड इन्वेंट्री में, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है सब? किसी को कोई इशू नहीं है? नो मैम। ये वही प्रोसेस है जो भी मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है, इसी डायरेक्ट मटेरियल को हमने कहा बैलेंस शीट में जब रिकॉर्ड करना तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड करते हैं इसको हम। ये हमारी कॉस्ट होती है, नॉर्मली ये कॉस्ट होती है, कॉस्ट को हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अब यही रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में, और इस पर क्योंकि हमने कहा लेबर भी लग रही होती है, वर्क इन प्रोसेस में कब कन्वर्ट होगा, हमने कहा जब आप उस पर लेबर भी लगाओगे और ओवरहेड भी लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा रहे हो आप, उस पर काम स्टार्ट कर दिया आपने, तो हमने कहा वो वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी चीज़ें पार्शली प्रिपेयर हो जाती हैं। तो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट आ रही है या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है वो भी हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में इंक्लूड कर देते हैं। फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, ये सारा काम बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट में पहले वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्डेड था, फिर जितना उसने रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बन गई और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी फिनिश गुड्स बन गई। अब जब इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में जब आपको याद हो आपने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, सेम टू सेम वैसे ही होती है, लेकिन हमने कहा क्योंकि इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सेल्स में से आप क्या किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की थी, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अभी हम बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम दूसरे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जिन्हें हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं, कल हमने पीरियड कॉस्ट पढ़ा था, हमने कहा ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती नॉर्मली, इसमें वो कॉस्ट आती है कि जब ये इंकर होती है तो उसे एज अ एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया जाता है।
इसमें सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है, जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई से रिलेटेड, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट आ जाती है हमारे पास, कस्टमर सर्विस, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम पेड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा जी, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की। हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली जब हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, यानी जो चीज़ें बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। समटाइम ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बना लेते हैं फाइंड करने के लिए कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो सोल्ड की हैं उनकी कॉस्ट क्या है, और उसे अपने रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली हमने कहा ये हम कॉस्टिंग सिस्टम में भी कर रहे होते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कर रहे होते हैं, कॉस्टिंग सिस्टम में भी कर रहे हैं, तो प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे होते हैं अपने डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, डायरेक्ट लेबर कितनी यूज़ हुई है, और डायरेक्ट एफर्ट कितना यूज़ हुआ है, और उनको वहाँ से उठा के फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से समटाइम यूज़ कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हैं, इन दोनों में पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्या है कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं उन पर किसने कॉस्ट लगी है, कितना खर्चा आया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, हमने कहा देखो जितनी चीज़ें कंपनी बना लेती है या ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, ज़रूरी तो नहीं है सारी की सारी बिक जाए, उनमें से जितनी बिक गई हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है, उनकी कॉस्ट कंपनी को कितनी बड़ी थी, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। यानी सोल्ड क्या, बिक गई, जितनी चीज़ें बिक गई उनकी क्या कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्या है, जितनी टोटल कंपनी ने बनाई है उनकी क्या कॉस्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, इनको आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं और अलग अलग भी इनको प्रिपेयर किया जाता है, और इन्हीं की बेसिस पे प्रोडक्ट की इंडिविजुअल कॉस्ट भी निकाली जाती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने पर कितनी कॉस्ट आई है वो भी निकाल लेते हैं। नॉर्मली कैसे करते हैं, ये इसने फॉर्मूला दिया हुआ लेकिन हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैसे निकालते हैं कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी अभी मैंने आपको बताया, तीन कॉस्ट होती है उसमें हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफर्ट, उन सबको ऐड करते हैं। उनमें जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है वो ऐड करते हैं और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करते हैं। वर्क इन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये वो गुड्स होती हैं जो पार्शली प्रिपेयर्ड होती हैं और पार्शली अनप्रिपेयर्ड होते हैं, यानी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते, कुछ काम इन पे हो गया होता है तो कुछ काम अभी होना बाकी होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, हमने कहा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती है, इसमें हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं और क्लोजिंग माइनस करते हैं। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में करते हैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा जी, सबसे पहले इसको ये फॉर्मेट है इसका, मैं आपको इसको बोर्ड पे करवाती हूँ, ज़्यादा इजी होगा। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब बनानी हो, जिस भी कंपनी की बनानी है सबसे पहले लिखते हैं, सपोज एबीसी कंपनी है, अगर फिर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, ये हम लिखते हैं, फिर जिस डेट के लिए बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, December 2000 suppose हम 12 के लिए बना रहे हैं, 2012 के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसमें चीज आती है, हमने कहा सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास जो पहली चीज होती है उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, यानी जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट को लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक तो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री का वर्ड तो सुना होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, या आपने बैलेंस शीट में भी सुना होगा, बैलेंस शीट में, सॉरी कह रही हूँ, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब भी ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। देखो सपोज हमने कहा साल जब हमारा शुरू कब हुआ था, 31 दिसंबर को बना रहे हैं, साल शुरू हुआ 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर पे अगर पिछले साल का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है
पिछले साल जो चीजें थी मटेरियल हमने खरीदा था सारा यूज नहीं हुआ, तो इस साल जब साल शुरू होगा तो उस साल का क्या बच जाएगा? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग मटेरियल उसे कहते हैं, ठीक है। जो पिछले साल का मटेरियल था यूज नहीं हुआ था, नॉर्मली हम इसके साथ डेट मेंशन कर देते हैं। सपोज हमने कहा ये फर्स्ट 12 12 को उसे ओपनिंग मटेरियल कहते हैं। पिछले साल का जो मटेरियल यूज नहीं हुआ था इस साल हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं परचेज न्यू मटेरियल। अगर हमने का पिछले साल का कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था, इस साल भी हमने कुछ परचेज किया है परचेज मटेरियल, इस साल नया मटेरियल परचेज जो किया है उसको इसकी वैल्यू में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी जो टोटल मटेरियल इस साल हम यूज कर सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है वो आ जाता है, यानी पिछले साल का मटेरियल ऐड करना और इस साल का। अब इस जो अवेलेबल मटेरियल में से अगर हम साल खत्म हुआ, क्योंकि हम स्टेटमेंट साल के एंड पे बना रहे हैं और साल के एंड पे जितना मटेरियल हमें हमारे पास बच गया है इसे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग मटेरियल भी कहते हैं। क्लोजिंग मटेरियल जो नॉर्मली कब होता है साल के एंड पे, कब होगा वो 31 दिसंबर 2012 पे जो मटेरियल हमारे पास बच गया, जब वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड, यानी इस साल कितना मटेरियल कंपनी ने यूज किया वो आ जाएगा। अच्छा अब ये जब माइनस करके हमारा मटेरियल यूज आ गया, इसकी वैल्यू सपोज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर हम एंटर क्या करेंगे इसमें और क्या चीजें, ये डायरेक्ट मटेरियल के अंदर सारी ये स्टेट जितने भी हैं ये हम सारा डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कर ये सारा काम हम डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कर रहे होंगे, ये सारे प्रोसेस के थ्रू। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर हम इसमें दूसरी चीज जो ऐड करेंगे वो होगी लेबर, डायरेक्ट लेबर। इसकी जो कॉस्ट होगी वो ऐड कर देंगे। फिर जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी फैक्ट्री ओवरहेड, एफएच या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने भी आपको क्या क्या बताया था, इसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इसमें इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे, इनडायरेक्ट कोई लेबर है वो आ जाएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल और वो सारी इसमें हम ऐड कर देंगे। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन तीनों को ऐड करने के बाद आ जाएगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऐड कर दें, इसमें हमने क्या ऐड करना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये ऐड करनी है और इसमें से हमने माइनस कर देना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी साल के आखिर पे जो इन्वेंट्री होगी 31 दिसंबर को जो होगी, जितनी वो चीजें जो इस साल कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसकी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इसमें बच्चे किसी को कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। अच्छा जी, ये आप इसका फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमने कहा रॉ मटेरियल जो हमारे पास फर्स्ट जनवरी को था सपोज ने कहा वो 10,000 है, हमने वो लिख दिया, नो ये दिया होगा आपको। इसमें आप क्या करोगे परचेजेस ऐड कर, जो इस साल अगर मटेरियल परचेज किया उसको ऐड कर देंगे। सपोज ने कहा वो 1,00,000 था जो हमने इस साल मटेरियल परचेज किया, जब इसको ऐड किया 1,10,000 हो गया, हमने कहा ये हमारे पास था जो रॉ मटेरियल इस साल अवेलेबल फॉर यूज, मीन इसको आप यूज कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन कर सकते हो, चीजें बना सकते हो। और जब इसमें हमने रॉ मटेरियल जो साल के एंड पे था वो माइनस किया, जो हमारे पास 5,000 था, तो हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल यूज इस साल कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है, मैंने कहा वो 105 है। दो कॉलम आप नॉर्मली इसके बना लोगे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, और इसमें डायरेक्ट लेबर की जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी ऐड कर देंगे। ये डायरेक्ट मटेरियल पे ये में ऐड करना है आपने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर
में आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट ऐड कर देनी है, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट लेबर आ गया, अगर फैक्ट्री पर डेप्रिसिएशन की है, इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन हुई है, इलेक्ट्रिसिटी या इंश्योरेंस के चार्जेज हैं, इन सबको ऐड किया, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड, इनको लेबर मटीरियल यूज उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना। हमने कहा जब ये हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई जो कि 420 थी। इसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो स्टार्टिंग पे थी वो ऐड करनी है, 25,000 है, और जो क्लोजिंग की थी वो जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड, यानी इस साल जो चीज़ें बनी हैं उस पर कितनी कॉस्ट आई है, हमने कहा 410 है। अब अगर इन्हीं इसी स्टेटमेंट को अगर कंटिन्यू कर सकते हो, आप सेपरेट बनाना चाहे तो सेपरेट भी बना सकते हो, अगर इसी को कंटिन्यू करें, हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अगर हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर दें, ये इसने लगातार स्टेटमेंट बनाई हुई है, आप इसी के नीचे फर्दर कंटिन्यू भी कर सकते हो, इसमें फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर, तो फिनिश गुड्स मीन जो पिछले साल की चीज़ें बनी हुई थी बिकी नहीं थी, इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है तो उसको ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगी अवेलेबल फॉर सेल, यानी वो चीज़ें हैं जो बिकने के लिए तैयार है। और फिर अगर हमने कहा उसमें से आप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यानी साल के आखिर पर जो चीज़ें बनी हुई थी बिकी नहीं थी वो माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो चीज़ें बिक गई हैं उनकी कॉस्ट कितनी आई है, जैसे 420 है। और अगर हमें ये निकालना हो कि जो चीज़ें बिकी हैं उसमें एक पर यूनिट कॉस्ट निकाली हो, तो जितनी चीज़ें बिकी हैं उनको इस कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। ये इसने इनकम स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट शो किया हुआ था, किया हुआ है कि सेल्स रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, फिर उसमें से पीरियड कॉस्ट यानी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया होगा और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इजीली किया होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू जिसको अभी पूछ ले, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने बनानी है, मैं आपको इसका क्वेश्चन दूंगी, कोई इशू यहाँ तक किसी को, कोई मसला नहीं है, सब क्लियर है? अच्छा बच्चे, ये अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इसकी आपकी असाइनमेंट भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट शो कराना है, और जो हमने कॉस्ट की टाइप्स कल पढ़ी थी, होप सो मैंने पूछा, किसी को कोई इशू नहीं है तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं सेंड करूंगी, आपने उसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, उसकी कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह, आज या कल तक मैं आपको सेंड कर दूंगी, और ये संडे लास्ट डेट है, आपने इसको सबमिट कराना है। फिर हमारे पास कुछ और टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट से ही रिलेटेड, तीन टर्म्स है हमारे पास, उसमें हम एक को कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट प्रेडिक्शन, के टर्म्स तीन बेसिक है। सबसे पहले हम कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है कि आपने ये देखना है कि पार्टिकुलर कॉस्ट किस वे में बिहेव करती है, यानी ये जानना कि जो किसी पार्टिकुलर आइटम की कॉस्ट है उसका बिहेवियर क्या, लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी आप चेंज करते हो तो वो कैसा बिहेव करती है, तो वो हम कॉस्ट एस्टिमेशन में जान रहे होते हैं। कॉस्ट बेसिकली ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि पार्टिकुलर कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, या हम कहते हैं कि किसी पार्टिकुलर कॉस्ट आइटम का बिहेवियर क्या होता है कि जब आप लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज कर दो। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमने पहले पढ़ा था कि बेसिकली लेवल ऑफ वर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही होती है। लेवल ऑफ वर्क मीन इसको हम क्वांटिटी में भी मेजर कर सकते हैं, इसको आवर्स में मेजर कर सकते हैं। सपोज अगर क्वांटिटी में मेजर करने की बात करें, हमने कहा सपोज कंपनी 1000 प्रोडक्ट बना रही है डेली बेसिस पे, तो ये उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी है। अगर हम कहेंगे सपोज कंपनी 40 आवर्स काम करती है एक मंथ में, तो ये भी उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी अब हमने और में मेजर कर दिया, यानी कंपनी के काम करने की कैपेसिटी या कंपनी के काम करने का जो तरीका होता है उसको हम कॉस्ट उसको हम लेवल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं, और कॉस्ट एस्टिमेशन के थ्रू हम वो लेवल ऑफ एक्टिविटी को मेजर कर रहे होते हैं। हम ये जान रहे होते हैं कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं। कॉस्ट बिहेवियर, ये कॉस्ट एस्टिमेशन था, कॉस्ट बिहेवियर क्या है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी का और कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है। कॉस्ट एस्टिमेशन में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, वो पूरा प्रोसेस है बेसिकली ये डिटर्मन करने का कि किसी पार्टिकुलर आइटम की कॉस्ट का क्या बिहेवियर है,
और कोर्स बिहेवियर में क्या है कि कोस्ट का और लेवल ऑफ एक्टिविटी का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करते हो कि क्या कोस्ट इंक्रीज करती है या कोस्ट डिक्रीज करती है, तो वो जो बिहेवियर हम देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, वो कोस्ट बिहेवियर में देख रहे होते हैं। फिर हमने कहा क्योंकि आपने कोर्स का बिहेवियर भी देख लिया, आपने कोर्स को एस्टिमेट भी कर लिया। नॉर्मली जो हम कोर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ये जान रहे होते हैं कि कोर्स कैसे बिहेव करती है, वो हम पास्ट डाटा देख रहे होते हैं, अपना हिस्टोरिकल डाटा देख रहे होते हैं, उसकी बेस पे देख रहे होते हैं कि लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो कोर्स का क्या रिएक्शन था, वो हम पास्ट डाटा से देख के कोर्स को एस्टिमेट करते हैं। उसी के बेस पे हम कोर्स बिहेवियर को बता रहे होते हैं कि कोर्स और एक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है। अब हमें एस्टिमेशन से भी पता चल गया, कोर्स बिहेवियर ने हमें बेसिस प्रोवाइड कर दी। अब उस बेसिस पे हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर की कोर्स को बता सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर सपोज पहले हमने कहा कि हमें पास्ट डाटा से जान लिया कि अगर 1000 प्रोडक्ट बना रहे थे कंपनी तो कोस्ट हमारी जो प्रोडक्ट थी वो 1500 थी। अब हमने कहा कि अगर हमें फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है कि अगर कंपनी 1500 प्रोडक्ट बनाएगी तो फिर कोस्ट क्या होगी, तो ये जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होंगे ये हम कोस्ट प्रोडिक्शन में कर रहे होंगे। यानी अपने आप कोस्ट बिहेवियर को भी लेते हो, कोस्ट एस्टिमेशन को भी लेते हो और उसकी बेस पे फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं, तो वो उसे हम कोस्ट प्रोडिक्शन कहते हैं। ये बेसिकली रिलेशनशिप है कोस्ट बिहेवियर, कोस्ट एस्टिमेशन और कोस्ट प्रोडिक्शन के दरमियान। सबसे पहले होते हैं कोस्ट एस्टिमेशन, हमने कहा इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कोस्ट कैसे बिहेव करती है। नॉर्मली हिस्टोरिकल डाटा जिसमें उनका हमने पास डाटा उठा लेते हैं और देखते हैं कि कोस्ट ने पार्टिकुलर सिचुएशन में हमारी कोस्ट इंक्रीज की थी डिक्रीज की थी, उसकी बेसिस पे हम इसको देख रहे होते हैं। कोस्ट एस्टिमेशन की ही बेस पे आप कोस्ट बिहेवियर बना रहे होते हैं कि कोस्ट का और लेवल ऑफ एक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम कोस्ट बिहेवियर में बता रहे होते हैं। कोस्ट एस्टिमेशन और कोस्ट बिहेवियर की बेस पे हम कोस्ट की प्रडिक्शन कर रहे होते हैं कि पार्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर फ्यूचर में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो कोस्ट कैसे बिहेव करेगी। अच्छा, एक और टर्म होती है कोस्ट ड्राइवर्स। कोस्ट ड्राइवर नॉर्मली हम कहते हैं वो एक्टिविटीज होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोस्ट अकर होती है या कोस्ट इंक्रीज करती है, या अगर कहें कि पार्टिकुलर कोस्ट हो रही है तो जिन फैक्टर्स की वजह से हो रही है या जिन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है उन्हें हम कोस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये देखना है कि किसी कंपनी में कोई बिजनेस है कि वो कारपेंट करते हैं, अब हमने कहा पेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, पेंट बेसिकली पेंट खरीदा हमने कहा ना ये कॉस्ट है, जब वो पेंट खरीदेंगे तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा इसकी कॉस्ट, हमने कहा जितनी गाड़ियों को पेंट करेंगे उनके नंबर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, तो जो नंबर्स ऑफ कार है वो क्या है इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स है, यानी अगर जितनी नंबर ऑफ कार ज़्यादा होंगी उतनी पेंट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो हमने कहा नंबर ऑफ कार बेसिकली वो फैक्टर है या एक्टिविटी है जिसकी बेस की वजह से कॉस्ट हो रही है, यानी वो एक्टिविटी या वो फैक्टर जिनकी वजह से कॉस्ट इंकर होती है उन्हें हम कोस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने कहा कि अगर हमने डायरेक्ट मटेरियल की कोस्ट निकालनी है इसकी कोस्ट किन चीज़ पर डिपेंड कर रही है, हमने कहा जितने आप सपोज अगर कंपनी का काम है रोल बनाना है तो जितने नंबर ऑफ रोल बनाएगी वो उतना मटेरियल ज़्यादा लगेगा ना, नंबर ऑफ रोल ने मटेरियल की कोस्ट को इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ रोल क्या है ये कोस्ट ड्राइवर है। या अगर हम कहेंगे वेट के बेसिस पे अगर वेट अपने क्रेडिट का वेट ज़्यादा कर देते हैं तो फिर भी मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो ये सारे क्या है पॉसिबल कॉस्ट ड्राइवर्स है। या अगर हमने कहा डिलीवरी कॉस्ट की सपोज निकालनी है तो डिलीवरी कॉस्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, जितनी ज़्यादा डिलीवरीज होंगी उतनी ज़्यादा डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा होगी, या जितनी ज़्यादा शॉप्स को आप डिलीवर कर रहे हो फिर भी आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है, या अगर शॉप की लोकेशन डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है डिफरेंट सिटीज में लोकेटेड है फिर भी आपकी डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा होगी, यानी ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट कॉस्ट की इंकर होती है या इंक्रीज कर रही होती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सब क्लियर है, सो तो नहीं रहे सब, कॉस्ट ऑफ गुड क्लियर है मैम, किसी में किसी को कोई इशू नहीं है, स्टेटमेंट सबको क्लियर है, सिया मैं कोई इशू है किसी चीज में, बच्चे सबको क्लियर है, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगी। जी ठीक है, समझ आ गई है स्टेटमेंट की? जी जी जी, कोस्ट ड्राइवर्स की भी समझ आ गई है।
अच्छा जब आपकी स्टेटमेंट क्या असाइनमेंट क्या होगी कि मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, आपने उसकी मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट पे उसका फैक्ट बताना है। और दूसरी बात ये है कि हमने कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स की थी, मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल सेंड करूंगी, आपने ये बताना है कि ये पार्टिकुलर किस टाइप के अंदर फॉल करती है। किसी को कोई इशू असाइनमेंट से रिलेटेड या आज के लेक्चर या टॉपिक से रिलेटेड? मैम अगर असाइनमेंट थोड़ी कम कर दें क्योंकि ये भी न्यू है तो उसे सारी एक साथ नहीं बनेंगी। क्या चीज बच्चे? मैम मैं कह रही हूँ असाइनमेंट आपने थोड़ी ज्यादा दे दी है। ठीक है, संडे तक का टाइम है, आप संडे को सबमिट कराओगे मुझे, उससे पहले नहीं। वो तो आपकी प्रैक्टिस है ना, जो एग्जांपल होंगे आपने सिंपली ये बताना है कि किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर ये कॉस्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, या डायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो सिंपली आपने एक वर्ड में लिखना है। मेरे असाइनमेंट तो आपको क्वेश्चन नहीं है बच्चे, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। ठीक है मैम जी, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई इशू पिछले लेक्चर्स में, आज के लेक्चर में? सबको सब क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है बच्चे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।